अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? होप सब ठीक ठाक होगा। तो अभी भाई 12 बजने वाले हैं और नमाज़ का टाइम है इधर यूएई में। तो मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ और साथ में रात को मैसेज आया था मुझे कि भाई आके ना अपना कोरोना टेस्ट का सर्टिफिकेट होता है क्वारंटीन में जो रहते हैं इधर यूएई में 10 दिन, तो वो आके ना अपना टेस्ट वो पेपर ले लें, क्लियरेंस लेटर होता है, तो वो भी लेने जाएंगे इंशाल्लाह ताला आफ्टर प्रेयर, नमाज के बाद। तो अभी हम नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं और माशाल्लाह इधर ठक ठक काम हो रहा है। इधर भाई बड़ी मेहनत करनी पड़ती है यूएई में आके, ये नहीं कि यूएई में आओ और आप कोई पैसा ना कमाओ। लाजम पैसे कमाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा सांस आता है भाई, क्योंकि इधर आके ना मैं अक्सर मोटा हो जाता हूँ खा पी के, इस वजह से सांस भी, फिर जितना आप हैवी होते हैं उतना ही आपको सांस आता है। तो अभी मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला आपको मस्जिद में या मस्जिद के बाद, नमाज के बाद आपको मिलते हैं। ये है मस्जिद, माशाल्लाह बहुत प्यारी सी मस्जिद है, देखें जी। और ये है वॉशरूम, कोरोना की वजह से बंद हुए हुए हैं, जिधर हम वज़ू वगैरह स्तंजा वगैरह करते हैं, तो ये आजकल बंद है। देखिए माशाल्लाह व्यू, भाई नमाज अब हमने पढ़ ली है और अब हम जा रहे हैं कोरोना सेंटर अपनी क्लियरेंस लेटर लेने जा रहे हैं। इतनी कमाल की गाड़ी है, पुराने मॉडल की माशाल्लाह। आप सोच रहे होंगे कि हमारा व्लॉगर भाई इतना पैदल क्यों चलता है, सबसे पहली वजह तो ये है कि यार मैं मोटा बहुत हो चुका हूँ, उस वजह से भी मैं चलता हूँ कि थोड़ी सी वर्जिश हो जाए। और जो मेन रीज़न है ना वो भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि मैं अभी आया हूँ यूएई में एज अ विज़िटर, तो मेरे पास है वैसे लाइसेंस, ठीक है ना, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो वो भी माशाल्लाह 4 साल पुराना, प्राउड फील करते हैं हम। तो कहने का मकसद है कि अभी जब तक मेरा पक्का वीज़ा नहीं यहाँ पर लगेगा तब तक मेरा वो लाइसेंस रिन्यूअल नहीं होगा, क्योंकि वो एक्सपायर हो चुका है, 2 साल हुए हैं उसके एक्सपायर हुए या 3 साल हुए हैं। वो मुझे सबसे पहले अपना फ़ाइन पे करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद वो फिर मुझे लाइसेंस मिलेगा, फिर मैं गाड़ी इजीली इधर ड्राइव कर सकता हूँ, चला सकता हूँ, ठीक हो गया। इस वजह से ये थोड़ा सांस ले ले, क्योंकि मास्क जब पहन के आप बात करते हैं ना तो फिर आपका सांस रुक जाता है, तो मास्क के बगैर तो हम इधर मास्क को तो हम नीचे कर नहीं सकते, क्योंकि इधर भाई पुलिस कैमरे सब कुछ। बहुत कहने का मकसद है ये ममनू एरिया है, यहाँ पे आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो भाई आपका कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, तो आपको यू हैव टू मस्ट फॉलो द रूल्स, ठीक है ना, सीधी सी बात है। तो हम क्या बात कर रहे थे, हाँ, जब लाइसेंस मिल जाएगा फिर इंशाल्लाह गाड़ी पे घूमे फिरेंगे, आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना के दिखाएंगे। देखें भाई कितना हमने चला है, ज़रा आपको दिखाते हैं, एक मिनट। यह है स्मार्ट वॉच और इधर आप देख सकते हैं 2002 कदम हमने चले हैं। तो ये मैं कोशिश करता हूँ कि 5 से 6 हज़ार डेली चलू करूँ, कि इट्स गुड फॉर हेल्थ। इसका हर किसी मतलब नहीं था कि मैं आपको अपनी स्मार्ट वॉच दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये था कि मैं इतना ज़्यादा चलता हूँ लेकिन फिर भी यार मेरा वेट लॉस नहीं होता। अगर आपको कोई चीज़ इसके बारे में पता हो तो बताना ज़रूर, ठीक है, होप फॉर अच्छे कमेंट्स नॉट बैड कमेंट्स। इंतज़ार करना पड़ रहा है, नहीं तो पहले आते थे तकरीबन 10 मिनट में काम हो जाता था, ये देखें हाल, पहले तकरीबन 10 मिनट में मिल जाता था और आज मुझे तकरीबन 20 से 30 मिनट हो चुके हैं और अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन चलें थोड़ा देर और इंतज़ार करते हैं और इंशाल्लाह आज सर्टिफिकेट यहाँ से ले के जाएंगे क्लियरेंस लेटर। तो भाइयों मिल चुका है सर्टिफिकेट, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, ये इसके साथ किसी भी मार्केट में घूम सकते हैं, किसी भी शहर में जा सकते हैं, इधर
यूएई में। पहले थोड़ा मुश्किल था जाना क्योंकि बहुत पूछते थे। अच्छा माशाल्लाह मिल चुका है और अब हम कहीं भी जा सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं घर, जाके चाय शाय पियेंगे। भाई इधर की ना धूप बहुत ज़्यादा होती है यार, धूप से बचना बहुत मुश्किल है। जब आप सुबह सफ़ेद हो के घर से निकल तो घर दोबारा जब आप जाते हो तो फिर से काले हो जाते हो। ये इधर का एक निज़ाम है, यही के वेदर का। ठीक है, वेलकम बैक गाइस। वो मैं ना थोड़े से काम कर रहा था और थोड़े काम करते करते चाय पीते पीते काम करते करते सो गए, इस वजह से फिर अब उठे नमाज के लिए। नमाज पढ़ी बीच में, सब के यानी कि नहीं पढ़नी चाहिए नमाज, सब पढ़े और अब जा रहे हैं फिर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। तो अब अजान भी होना शुरू हो गई है तो नमाज के बाद फिर भाई नमाज पढ़ाए हैं और अंधेरा भी हो गया है और हमारा चेहरा भी अब नज़र नहीं आएगा तो